हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो टैली प्राइम को लेकर के बना रहा हूँ। और टैली प्राइम में जो प्रोसेस मैं करने वाला हूँ, यही सेम प्रोसेस आप ईआरपी 9 में भी कर सकते हैं। ये बहुत आसान है। अगर आपको कभी भी फिक्स्ड एसेट्स की एंट्री करनी पड़े तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पर देख सकते हैं एक कंपनी ओपन है इंडियन शॉप के नाम से, और इसी तरह की एक कंपनी मैंने टैली ईआरपी 9 में भी बनाई थी, तो ये सारी चीजें आपको याद होंगी ही। तो अभी हम चलते हैं कहाँ, सीधा चलते हैं अकाउंटिंग वाउचर में। तो ये आ गए अकाउंटिंग वाउचर में, और यहां पर हमको एंट्री पास करनी है परचेज वाउचर में। आप सेल्स में भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो ये यहाँ पे परचेज नाम का एक हमने वाउचर टाइप बनाया हुआ है, इसको हम ले लेते हैं। अब यहाँ पर सप्लायर का कोई भी इनवॉइस नंबर डाला, वो डेट आएगी जिस डेट पे होगी परचेजिंग, और यहाँ पर आ जाएगा क्रेडिटर पार्टी का लेजर अगर आप उधार की खरीदी कर रहे हैं तो। तो यहां पर ऑल्ट सी करके क्रेडिटर पार्टी का लेजर लगा देते हैं, और सपोज कीजिए कि क्रेडिटर पार्टी का नाम है कुंदन। यहां पे मैं लिख देता हूं कुंदन, और यहां पे सी लिख देता हूं ताकि आपको पता लगता रहे कि ये क्रेडिटर पार्टी है, क्योंकि बहुत सारे लेजर्स हो गए हैं तो इसमें कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। और इसे डाल देंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स के ग्रुप में। तो ये ग्रुप हमने सन्ड्री क्रेडिटर कर दिया है, और एंटर करते हुए इसको करा लेंगे हम एक्सेप्ट। तो ये एक्सेप्ट करा लिया, और यहां पर इस तरीके से एंटर करते हुए यहां पर भी एक्सेप्ट करा लेंगे। तो ये हो गया। अब यहां पर हमें परचेज अकाउंट का लेजर लगाना होता है। यहां पर आप देख सकते हैं ये सिनेरियो नेम ऑफ आइटम का है। अब यहां पर हमें नेम ऑफ आइटम नहीं चाहिए, ध्यान दीजिएगा, यहां पर हमें नेम ऑफ आइटम नहीं चाहिए। तो इस कंडीशन में हमें करना क्या है, यहां पर हमें थोड़ी सी चेंजेस करने होंगे। वो क्या है चेंजेस, मैं बताता हूं आपको। आप कंट्रोल के साथ एच बटन प्रेस कीजिए, जैसे ही प्रेस करते हैं तो यहां पर आपको चेंज बाउचर मोड का ऑप्शन मिल जाता है, और यहां से हमें बाउचर मोड में जाना है। किसमें जाना है, बाउचर मोड में। तो ये बाउचर मोड में आ गए। जैसे ही बाउचर मोड में आते हैं तो यहां पर कुंदन को क्रेडिट किया गया, सीआर लगा हुआ है इसके पहले, देख सकते हैं आप स्पष्ट रूप से ये दिखाई भी दे रहा है, ठीक है। अब यहां पे अमाउंट डालेंगे जो यहां पर मशीनरी का, देखिए जो भी फिक्स्ड एसेट है उसमें हमने मशीनरी को लिया है। आप फर्नीचर, कंप्यूटर, डेस्कटॉप, लैपटॉप कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे 50,000 मैं ले लेता हूं, ठीक है। ये 50,000 लिया, यहाँ पे न्यू रेफरेंस करेंगे, एंटर करेंगे। यहाँ पे जैसे ही आते हैं तो यहाँ पर किस चीज का लेजर आएगा, यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट होती है। तो यहाँ पर हम लेजर लगाएंगे किसका, फिक्स्ड एसेट का। तो हम यहाँ पे लगाने वाले हैं मशीनरी का लेजर। तो ये लगा दिया मशीनरी, और ये हो गया मशीनरी, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे। और अभी देखिए ये ऑलरेडी एग्जिस्ट बता रहा है, यानी कि इस नाम से पहले से हमने बना रखा है, तो अभी हम दूसरा नाम ले सकते हैं। इस नाम से पहले से बना दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, दूसरा नाम ले लेते हैं। कोई भी फिक्स्ड एसेट ही हमें डालना है तो चलिए यहाँ पे क्यों ना मैं फिक्स्ड एसेट ही लिख दूं, ठीक है। आप कुछ भी डाल सकते हैं, कंप्यूटर डाल दीजिएगा या कुछ भी ऐसे। यहाँ पे लिख दिया फिक्स्ड एसेट्स, तो ये हो गया, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे। अब ये जाएगा किसमें, ये जाएगा फिक्स्ड एसेट में। तो यहाँ पर फिक्स्ड एसेट का ग्रुप होगा, उसी में इसे डाल दीजिएगा, एंटर करिएगा। यहाँ पर जीएसटी को एप्लीकेबल करके, ये देखिए नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन, यहाँ पे हमें देना है परचेस टैक्सेबल, आपका जो भी हो वो दे सकते हैं यहाँ पे परचेस टैक्सेबल करके। और यहाँ कैपिटल गुड्स दिया हुआ है, फिलहाल इसको नॉट एप्लीकेबल करते हैं, और यहाँ पर बाई डिफॉल्ट 21% का जीएसटी लगा देते हैं। एंटर करते हैं, एंटर करते हैं, और यहाँ पर गुड्स ये रहेगा, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, और इसको करा लेंगे एक्सेप्ट। तो यहां पर फिक्स्ड एसेट आ चुका है, देख सकते हैं यहां पे 50,000 आया हुआ है, ठीक है। यहां पर कितना आया हुआ है, 50,000 आया हुआ है, लेकिन इसमें कुछ जीएसटी भी कटा हुआ है, तो जितना जीएसटी कटा है उतना माइनस कर देना है आपको, ठीक है। तो यहां पर अगर 10,000 रुपए जीएसटी हमारा कटा हो तो यहां पर हम सिर्फ 40,000 ही डालेंगे, ठीक है। हमारे पास एक पहले से बिल होगा जिसके मुताबिक एंट्री पास होगी, तो यहां पर फिर डेबिट आएगा। तो अभी यहां पर हम लगाएंगे सीजीएसटी, ठीक है। तो सीजीएसटी में डायरेक्टली ये 10,000 आ रहा है, तो यहां हमें 5,000 रखना है, क्योंकि सीजीएसटी एसजीएसटी बराबर बराबर डिवाइड हो जाता है। तो यहां पर अब एसजीएसटी की बात करेंगे, तो ये एसजीएसटी हो जाएगा। अब ये जो बिल था ये पूरा हुआ, ये एंट्री पूरी हुई, देख सकते हैं। आई होप की बात समझ में आई होगी। यहां पर नरेशन डाल सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। इसको एक्सेप्ट कराते हैं, फिलहाल स्किप करते हैं इसको। अब इस एंट्री को देखना है तो यहाँ पे दो बार डी प्रेस करेंगे, और यहां से आकर के इस एंट्री को देख सकते हैं आप। अल्ट पी करके मैं प्रिंट निकाल के भी दिखा देता हूं, प्रीव्यू करके यहां से आई बटन प्रेस करेंगे, आपको प्रीव्यू भी नजर आएगा। तो ये आपका प्रीव्यू है, आपने जो फिक्स्ड एसेट 40,000 का परचेस किया उसमें 5,000 रुपए क्या लगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी लगा। तो ये आपकी हो गई परचेजिंग। सेम यही एंट्री, इसी तरह की एंट्री आप सेल्स में भी पास कर सकते हैं। आई होप की बात क्लियर हो गई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।